स्टैचू ऑफ पोलो स्टोर। पोलो खेलते हुए यही शहीद हो गए थे तो उन्होंने इसमें भूसा भर के यहाँ पे इसका स्टैचू लगा दिया है। ये पीछे अस्तोर वैली आप देख सकते हैं, ये तो वो रास्ता है ना जो हम जहाँ से आए हैं, बहुत खूबसूरत रास्ता है। सूरज इस वक्त निकल चुका है, हल्की हल्की रिमझिम भी हो रही है। वो रास्ता जो अस्तोर वैली की तरफ जा रहा है, ये साथ ही ये अस्तोर वैली स्टार्ट हो चुकी है। अस्तोर वैली स्टार्ट हो चुकी है, लश ग्रीन जंगल, नीचे दरिया बहता हुआ, ऊपर पहाड़ों का सीन, पहाड़ों की चोटियाँ बादलों से घिरी हुई, बहुत ही खूबसूरत, आंखों को ठंडा करने वाला मंजर। जामा लेक की तरफ जाते हुए रास्ते में बहुत ही खूबसूरत ग्रीन लश जंगल। इस जंगल से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, काफ़ी स्टीप चढ़ाइयाँ वगैरह हैं और रोड की सूरत हाल भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत अस्तोर गम, खास पॉइंट से इसका नज़ारा आप देख सकते हैं। अस्तोर बाजार में इस वक्त खड़े हुए हैं और यहाँ से व्यू है रामा लेक का। ये पीछे जो पहाड़ की चोटी है, इसकी बैक पे जाके रामा लेक आएगी और इंशाल्लाह हम कवर करेंगे डिस्टेंस और रामा लेक तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। और इतना खूबसूरत ये व्यू है के अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकता। बादलों में घिरी हुई पहाड़ों की चोटियाँ और इन बर्फ पोश बादलों में घिरी चोटियों के पीछे रामा लेक, जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं इस वक्त, जो हमारी डेस्टिनेशन है। और ये अस्तोर का बहुत ही खूबसूरत बाजार है, ग्रीन इलाका, लश ग्रीन एरिया। यहाँ पे भी बर्फ़ में ढकी पहाड़ों की चोटियाँ।